हेलो एवरीवन, वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज हम ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम, जो कि सेकेंड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट है, उसमें ऑडियो सिस्टम के बेसिक्स के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑडियो रेंज इज गिवन एज। ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज निम्न में से क्या है? ए 10 हर्ट्ज टू 10 किलोहर्ट्ज, बी 15 हर्ट्ज टू 15 किलोहर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज टू 10 किलोहर्ट्ज एंड डी 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। तो जो ऑडियो रेंज फ्रिक्वेंसी होती है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। तो सही आंसर है डी, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। सेकंड क्वेश्चन है, माइक्रोफोन्स आर यूज टू कन्वर्ट ए अकोस्टिक सिग्नल इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटू अकोस्टिक सिग्नल, सी ऑप्टिकल सिग्नल इंटू अकोस्टिक सिग्नल एंड डी अकोस्टिक सिग्नल इंटू ऑप्टिकल सिग्नल। कि माइक्रोफोन जो है वो किस तरह के सिग्नल को किसके अंदर कन्वर्ट करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रोफोन जो हमारी वॉइस है या जो साउंड है या जो अकोस्टिक सिग्नल है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर है ए। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक रेंज इज, इंफ्रासोनिक रेंज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बिलो 100 हर्ट्ज, 100 किलोहर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज से कम या 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, बिलो 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेलीफोन हैंडसेट में जनरली कौन सा माइक्रोफोन काम में आता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोफोन इन टेलीफोन हैंडसेट इज, नंबर वन ए ऑप्शन है कंडेंसर माइक्रोफोन, बी कार्बन माइक्रोफोन, सी क्रिस्टल माइक्रोफोन, डी डायनामिक माइक्रोफोन। टेलीफोन हैंडसेट के अंदर कार्बन माइक्रोफोन सामान्यतः काम में लिया जाता है। तो सही उत्तर है आंसर बी, कार्बन माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच माइक्रोफोन द ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द जनरेशन ऑफ वोल्टेज by the deformation of the crystal having piezoelectric properties. Option A, carbon microphone. Option B, crystal microphone. Option C, condenser microphone. और option D, dynamic microphone. तो इसका answer है, piezoelectric properties पर जो microphone based होते हैं वो कहलाते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन, और वो क्रिस्टल पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहलाता है। तो सही आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज, रोशल साल्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, रोशल साल्ट का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? नंबर ए कंडेंसर माइक्रोफोन, आंसर बी क्रिस्टल माइक्रोफोन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोडायनामिक माइक्रोफोन, ऑप्शन डी कार्बन माइक्रोफोन। रोशल सॉल्ट का उपयोग क्रिस्टल माइक्रोफोन बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है। क्वेश्चन 7 इज, इन विच माइक्रोफोन द आउटपुट रिजल्ट्स फ्रॉम द मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। निम्न में से किस माइक्रोफोन में कंडक्टर का मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड में होने पर आउटपुट आता है? ऑप्शन ए कंडेंसर माइक्रोफोन, ऑप्शन बी क्रिस्टल माइक्रोफोन, ऑप्शन सी कार्बन माइक्रोफोन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोडायनामिक माइक्रोफोन। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोडायनामिक माइक्रोफोन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अकोस्टिक सिग्नल इज, वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अकोस्टिक सिग्नल में बदलती है वो कौन सी है?
ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी सीसीडी डिवाइस, ऑप्शन डी एलवीडी। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अकोस्टिक सिग्नल में कन्वर्ट करने में, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करने में हम लाउड स्पीकर काम में लेते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग कॉइल माइक्रोफोन कंसिस्ट्स ऑफ। मूविंग कॉइल माइक्रोफोन में क्या क्या होता है? ऑप्शन ए कॉइल ओनली, ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेट एंड कॉइल, ऑप्शन सी परमानेंट मैग्नेट ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मूविंग कॉइल माइक्रोफोन के अंदर परमानेंट मैग्नेट तथा कॉइल दोनों होती हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेट एंड कॉइल। क्वेश्चन 10, ट्विटर इज यूज्ड फॉर। ट्विटर किस लिए काम में आता है? ऑप्शन ए हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी लो फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी मिड फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन और ऑप्शन डी वेरी लो फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन। ट्विटर का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन में काम में आता है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी श्रृंखला में आगे है, वूफर इज यूज्ड फॉर। वूफर का उपयोग कहां किया जाता है? ऑप्शन सेम है, नंबर वन ऑप्शन ए हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन, बी लो फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन, सी मिड फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन। ट्विटर का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन में किया जाता है और वूफर का उपयोग लो फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वैकर इज यूज्ड फॉर। स्क्वैकर का उपयोग कहां किया जाता है? ऑप्शन ए हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी लो फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी मिड फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन। ट्विटर का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी रिप्रोडक्शन में काम में आता है, वूफर का उपयोग लो फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन में काम में लिया जाता है और स्क्वैकर का उपयोग मिड फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन में काम में लिया जाता है, तो सही आंसर है आंसर सी मिड फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 13, इन क्रॉसओवर नेटवर्क्स हाई पास एंड लो पास फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर। क्रॉसओवर नेटवर्क में हाई पास और लो पास फिल्टर का काम उपयोग कहां होता है? जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा, ट्विटर का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन में होता है और वूफर का उपयोग लो फ्रिक्वेंसी साउंड रिप्रोडक्शन में किया जाता है, तो जो फिल्टर हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करेंगे वो ट्विटर में काम में आएंगे और जो फिल्टर्स लो फ्रिक्वेंसीज को पास करेंगे वो वूफर में काम में आएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्विटर एंड वूफर रेस्पेक्टिवली। अर्थात इन क्रॉसओवर नेटवर्क हाई पास एंड लो पास फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर ट्विटर एंड वूफर रेस्पेक्टिवली, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैमरा इज यूज्ड फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एप्लीकेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एप्लीकेशंस में कौन सा कैमरा काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए वीडियो कैमरा, ऑप्शन बी एनालॉग सीसीडी कैमरा, ऑप्शन सी डिजिटल सीसीडी कैमरा, ऑप्शन डी फोटोग्राफिक कैमरा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एप्लीकेशंस में डिजिटल सीसीडी कैमरा काम में लिया जाता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई फाई स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए हिडन फिल्म, ऑप्शन बी हाई फिडेलिटी, ऑप्शन सी हायर फिल्टर, ऑप्शन डी हाईली फिट। हाई फाई का मतलब होता है हाई फिडेलिटी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हाई फिडेलिटी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम में बेसिक्स ऑफ ऑडियो सिस्टम के ऊपर थे। इसी तरह के कुछ और ऑडियो सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चंस की हम अगले प्रेजेंटेशन में, अगले वीडियो लेक्चर में
स्टडी करेंगे। थैंक यू।